नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज मैं पहुंच गया हूं सूरत की नानी बेड रोड गुरुकुल में। गुरुकुल के आज अब मैं तुमको बहुत अच्छे अच्छे दृश्यों को दिखाऊंगा। तो मैंने गेट के अंदर प्रवेश कर दिया है। देखिए यहां पे दो द्वारपाल जैसे बने हैं, जैसा कि पुराने जमाने में युद्ध होता था तो ऐसे बजाते थे लोग, कुछ बजा करके जो है संकेत किया जाता था कि युद्ध प्रारंभ हो रहा है, और अंत होने के समय भी रामायण रामायण में बजाते थे। एक हागराज गरुड़ थे। और मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ जहाँ पे समुद्र मंथन उन्थन हुआ था। हर एक चीजों का चित्र इसमें सचित्र वर्णन किया गया है। गुरुकुल के मेन द्वार के सामने मंदिर के ऊपर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी है। यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने का भी जो है पठन पाठ्यन का भी कार्य होता है। और सबसे खुशी की बात है कि इस चीज को देखने के बाद हमको खुशी हुई है कि आज भी गुरुकुल में पठन पाठ्यन होता है। और यहाँ पे देखिए वासुकी नाग से समुद्र मंथन हो रहा था, तब का सचित्र वर्णन है। ये समुद्र मंथन के समय का है। और राक्षस एक तरफ है, देव एक तरफ है, दो दानव मिल करके मंथन कर रहे थे। और जो कलश जैसा दिखाई दे रहा है ये भी मंदिर बना है। इसके अंदर हर देवी देवताओं का जो है स्थापित किया गया है उन लोगों को। और अभी मैं उसके भी पास चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे काफी सुंदर काफी सुहाना लगता है। यहाँ पे बच्चों को पठन पाठन का कार्यक्रम भी होता है। और सबसे खुशी की बात है कि देश में गुरुकुल में पठन पाठन होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और हर जगह गुरुकुल रहना भी चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कि हर जिले में कम से कम 5 गुरुकुल तो खुलाया गया। प्राइमरियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोला जा रहा है, जिसमें एक तो कम से कम गुरुकुल होना चाहिए। 2-3 गांव के बीच में एक गुरुकुल रहना चाहिए तो ठीक है। या हर स्कूल में गुरुकुल जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। देखिए हर जगह पे पंडित बनाए गए हैं, नृत्य करते हुए मोर बनाया गया है, इतनी अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ इसमें हैं कि आपको क्या बताएं हम। इसको अपने मुख से मैं बखान वर्णन नहीं कर सकता हूँ। जिस तरीके से इसको जो बोला जाता है कि बखानते हैं, तो इसका बखान मैं नहीं कर सकता हूँ किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे गोपियाँ हैं, नृत्य कर रही हैं। श्री कृष्ण भगवान की भी अनेक मूर्तियाँ बनी हुई हैं और गोपियाँ हैं। सब लोग कलरव करते हुए और नृत्य करते हुए प्रतिमा बनाई गई है। और श्री कृष्ण भगवान किस तरीके से विहार करते थे गोपियों के साथ, वही सब बनाया गया है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहें, और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों, परंतु आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग धर्म के लिए एक बार जरूर से जरूर जो है लाइक करके और शेयर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बने रहें और आप लोगों को चलते हैं आगे के दृश्य दिखाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल काय है, जिसको मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एक श्री शंकर भगवान जी का मूर्ति बना हुआ था, प्रतिमा था, वो आप लोगों के सामने मैंने दिखाया। और आगे चल करके हम आप लोगों को और भव्य मूर्तियां और भव्य दर्शन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप का घोड़ा है या किसी का घोड़ा है, समझ में तो नहीं आ रहा। महाराणा प्रताप जैसे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन परंतु ऊपर बैठाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जल जो है बैल के मुख से निकल रहा है और इत्यादि जगहों से निकल रहा है। अभी यहाँ नानी बेड में काम भी चालू है गुरुकुल के अंदर, और नित्य यहाँ पे कम से कम 2-2.5 हजार की जनता आती है और यहाँ पे सब चीज देखती है, कलाओं को देखती है, बिखेरते रहते हैं। देखने के बाद बहुत शांति होती है, बहुत दिल को सकून मिलता है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, बार बार आप लोगों से बता रहा हूँ कि हर 2 गांव के बीच में तो एक गुरुकुल रहना चाहिए, जो कि आज देख रहे हैं आप लोग। हर गांव में 2 प्राइमरी 3 प्राइमरी स्कूल प्राथमिक विद्यालय खुल गए हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 2-3 के जगह पे एक जगह गुरुकुल रहना चाहिए। या अगर गुरुकुल नहीं भी हो सकता है तो आगे
उस प्राइमरी में भी गुरुकुल का शिक्षा देना चाहिए। देखिए यहाँ पे श्री हनुमान जी स्वामी बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, एक योगी की तरह बैठ करके पूजा कर रहे हैं। तो आगे चल के हम आप लोगों को और कुछ दिखाना चाहेंगे। और दोस्तों ये सब चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो जान लीजिए आपके पिछले जन्म का कोई ना कोई पुण्य है, इसलिए आप हमारे वीडियो पे आ करके और ऐसे जो है दृश्य को देख रहे हैं जो कि बहुत दुर्लभ होता है। आज के ज़माने में गुरुकुल देखने को कहाँ मिलता ही है, और गुरुकुल की शिक्षा अगर किसी के बच्चे को अगर दे रहे हैं, अपने बच्चे को कोई गुरुकुल में शिक्षा दे रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमको बहुत प्रसन्नता होती है और मैं उनसे और जानकारियाँ भी लेना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को चलचित्र को दिखाते हुए। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और उसके पास एक द्वारपाल खड़े हैं और इत्यादि प्रकार से इसको सजाया गया है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। और मैंने बताया कि ये जो कलश बने हैं वो ये मंदिर का रूप है, और इसके अंदर भी चल के अंदर के साइड से मैं कुछ बगल से ही आपको दिखाता हूँ, क्योंकि प्रवेश करके तो दिखाना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल तब पर ही कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे द्वारपाल बने हुए हैं और यहाँ पे मंदिर का गेट है छोटा सा। दोनों साइड एक छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर देखिए एक मंदिर आप लोगों को दिखाया बाहर से और दूसरा, और देखिए यहाँ पे जल चारों तरफ से निकल रहा है और एक बीच में जो है माता अपने बच्चों को लेकर के बैठी हुई है, तप कर रही है शायद, और यहाँ पे और सभी लोग बैठ करके तप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनेक जगहों से आ करके पर्यटन लोग बैठे हैं। देखिए इधर पुजारी जी पंडित जी बैठे हैं, वहाँ पे उस साइड उनकी औरत को बैठाया गया है, जो कि यहाँ पे शिक्षा देने का काम करते हैं लोग, समझिए कि पंडित क्या होता है, किस तरीके से योग करना चाहिए, सब कुछ दिखाया गया है इसमें। और दोनों तरफ जलकुंड की कुंड बनाए हैं, धारा बहती रहती है, और यहाँ के अनेक पर्यटन बहुत दूर दूर से आते रहते हैं, क्योंकि ये मन को मोहने लायक दृश्य ही है। यहाँ पे अनेक कलाकृतियों को उकेरा गया है जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। मैं आप लोगों को और जितना हो सकेगा मैं अपनी तरफ से दिखाऊंगा। पूरा स्वर्ण रूप में बनाया गया है और देखिए कई कलश हैं यहाँ पे, कम से कम 6-7 कलश हैं, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। जय श्री स्वामी नारायण। और देखिए यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है प्रतिमा, और ये कलश के अंदर ही बनी हुई है, जो कि आप लोग बाहर के और कलश को देख ही रहे हैं। तो इसी प्रकार बने रहें, राधे श्याम अपनी ज़िंदगी में लगाए रहें। जय श्री सीताराम। और वीडियो को मेरे अंत तक देखें, आप लोगों को दिल को जरूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर भाएगा, और आप लोग कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से अच्छी वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा और लाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ के ऊपर ध्वज लहरा रहा है, और कितने अच्छे प्रकार से बनाने वाला भी माने इतना अच्छा बनाया है, नरसिंह अवतार का भी यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। देखिए कि भगवान ने प्रहलाद के घर के खंभा फाड़ करके नरसिंह का अवतार लिए थे, वो लगा हुआ है। वाह क्या दृश्य है, आप लोग भी देख करके कृतार्थ हो जाएंगे। दोस्तों दिल से तो नहीं, लेकिन जितना हम यहाँ पे आ करके फल पा रहे हैं उतना आप लोग भी पाएंगे। यहाँ पे श्री सीता माता जी और श्री रामचंद्र जी का जो है मूर्ति बनी हुई है, और हनुमान जी स्वामी जो है बैठ करके अपना जो है हाथ जोड़ करके पूजा में मस्त हैं, और आप लोग देख ही रहे हैं कितना सुहाना लग रहा है। यहाँ पे जल अगर सामने से देखेंगे आप लोग तो दिल खुश हो जाएगा, और इसके ऊपर जो ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवताओं की फोटो और प्रतिमाएँ बनाई गई हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, और इतनी ज़्यादा सुगमता और इतनी ज़्यादा कलाकारी के तरीके से बनाया गया है, माने देखने के बाद तो मन मुग्ध हो जाता है इसको। और ये पानी पूरा एकदम नीले रंग का है, और ये कारण है इसमें ये तो नहीं मैं अभी पता पाया हूँ, कहीं से अभी अगर पता लगाता हूँ तो बताऊँगा कि ये पानी क्यों नीला है। पूरा जैसे समुद्र का पानी होता है उस तरीके से कुछ कुछ है, उससे भी ज़्यादा नीला है। और
देखिए अभी ये कौन सा मंदिर है, घनश्याम का था इसके अंदर, इसमें है राधा कृष्णा जी का, देखिए ये राधा कृष्णा मंदिर है और उसी कलश के अंदर ही बनाया गया है दोस्तों। काफ़ी सुहाना है और काफ़ी दिव्य दर्शन करने योग्य है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सूरत आएँ तो नानी बेट गुरुकुल में ज़रूर आएँ। एक बार आप लोग आएंगे तो आप लोगों को दिल से बहुत सुकून मिलेगा और आप लोग खुश हो जाएंगे कि हाँ किसी जगह पे मैंने गया जो कि मेरा पैसा फूल हो गया। जैसे जहाँ पे जाते हैं तो आप लोगों को ये लगता है कि क्या करें अब हम,